हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। ये हमारा पहला ब्लॉग है जो कि फुल इंटरेस्टिंग, धमाकेदार, फुल कॉमेडी से भरपूर होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा आपको इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। वीडियो में तो आपको हमारा नाम पता ही होगा, लेकिन आपको हमारा रियल नेम नहीं पता होगा। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं बद्री से। तो मैं हूँ आपका अपना बद्री और मेरा रियल नेम है आर्यन परमार। इनको तो आप जानते ही होंगे। मेरा नाम है जग्गा डाकू, मार दूंगा चाकू, चले जाऊंगा जेल, छुड़ा लेंगे काकू। तो दोस्तों मेरा रियल नेम है अंकित। तो मेरा नाम आकाश है गाइस, और सब मुझे इंस्टा पे अक्की नाम से जानते हैं। ये है हमारे गोटिया दादा। गाइस मेरा रियल नेम है सुमित फारकाले। तुम्हारा रियल नेम? मेरा नाम है चीकू और रियल नेम है मोक्षिता। और आप तो मुझे जानते ही होंगे वीडियो में धोनी से, और रियल नेम शिवम जायसवाल। तो दोस्तों टाइम हो चुका है हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर स्पेशल गेस्ट के आने का। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना उनका नाम। स्वागत तो करो हमारा। तो दोस्तों मस्ती की पाठशाला की पूरी टीम यहाँ पे आ चुकी है, सभी इन्हें अच्छे से जानते ही होंगे। तो सबसे पहले मैं आपका इनसे सेल्फ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो ये है हमारे सर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो मेरा नाम है एसआर और मारने कूटने में करता नहीं विचार। मेरा नाम है डोली और मैं हूँ बंदूक की गोली, और मेरा रियल नाम है दिव्यांशी चौहान। अच्छा, मेरा नाम है निमुड़ा, अच्छा अच्छे को एक मुक्के में बना देता हूँ लंगड़ा लूला। मेरा नाम है बंकू और मैं हूँ थोड़ा संकू। तो गाइस मेरा रियल नेम है विकास जाधव। तो चलो गाइस चलते फन करने, चलो। हाँ। तो आज हम जाने वाले फ्लाइंग रैबिट, तो पूरे ब्लॉग के एंड में बने रहिए, चलो। ये गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब? तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं फ्लाइंग रैबिट, आप भी जाकर देखना, बहुत मजा आते हैं। तो हमारी पूरी टीम रेडी हो चुकी है, हम निकलने ही वाले हैं। तो आज हम बहुत ही स्पेशल जगह जाने वाले हैं, तुमको भी मजा आएगा वो देख के। क्यों जग्गा? और उनमें से एक का बर्थडे। दोस्तों किसका बर्थडे हो सकता है आज? डोली का। आए? तो ये हमारी पूरी टीम निकल चुकी है। तो दोस्तों हम सब तैयार है, पूरी टीम रेडी है, और पीछे मस्ती की पाठशाला की पूरी टीम आ गई है। एसआर सर, बंकू, निम्बुड़ा, डोली, अब बस आगे जाके हमको बस धमाल करना है, फुल एंटरटेनमेंट करना है। पूरे ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। तो रास्ते में जाते जाते बंकू बैक बेंचर के 10 मिलियन हो चुके हैं, कांग्रेचुलेशन बंकू। तो धमाकेदार एंट्री के साथ हमारी पूरी टीम यहाँ पे फ्लाइंग रैबिट पे पहुंच जाती है। तो हाय गाइस, हम पहुंच चुके हैं फ्लाइंग रैबिट, अब बहुत मजा आएगा। हेलो गाइस, तो आज हम आए फ्लाइंग रैबिट ट्रैम्पोलिन पार्क में, यहाँ हम करेंगे बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी एक्टिविटीज, तो चलो हमारे साथ। तो ये है आंगनवाड़ी और मस्ती की पाठशाला के बच्चे जो कि बहुत खुश है। तो दोस्तों फ्लाइंग रैबिट अंदर से देखने पर कितना बड़ा दिखता है, यहाँ पर गेम्स खेलने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है। अभी हम आपको एक एक एक्टिविटीज करके दिखाएंगे, फुल मजा आने वाला है, फुल धमाका होने वाला है। तो पूरा ब्लॉग एंड तक जरूर देखना दोस्तों। ये कोई मामूली सॉक्स नहीं है, ये है ग्रिप वाले सॉक्स, इससे पैर स्लिप नहीं होते। तो यहाँ हमारी टीम पूरी रेडी हो चुकी है अंदर जाने के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ आपको कुछ रूल को फॉलो करना होगा। ये हमें बता रहे की आपको किस तरीके से जंप करना है, किस तरीके से दौड़ना है। तो फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है, सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, सही बच्चे जंप कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन बंकू ने सबसे पहले निमुड़ा को फेंक दिया। इस गेम में हमें इसके ऊपर से जंप करना है, लेकिन बद्री से ये जंप भी नहीं हो रही थी। लो ये निमुड़ा और जग्गा दोनों बहुत अच्छे से जंप कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मजा कर रहे हैं। तो गाइस आज मेरी निमुड़ा से फाइट होने वाली है, बहुत बेहतरीन वाली, तो लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों निमुड़ा और जग्गा की यहाँ पे फाइट होने वाली है, देखते हैं कौन जीतता है। ये आगे बढ़ते हुए निमुड़ा और जग्गा, अरे ये क्या, निमुड़ा तो आते से ही गिर गया, पूरी मस्ती की पाठशाला की नाक कटवा के रख दी निमुड़ा ने। अब मस्ती की पाठशाला से आने वाले बंकू बैक बेंचर और आंगनवाड़ी से छप्पन। छप्पन और बंकू बैक बेंचर की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, पर छप्पन तो बंकू को बहुत मार रहा है, देखते हैं कौन जीतता है इस फाइट में। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना आपको बंकू पसंद है या छप्पन। अरे ये क्या, बंकू ने तो छप्पन पे हमला कर दिया, लेकिन इस बार फिर से मस्ती की पाठशाला की नाक कट गई है और छप्पन है विनर। तो अब फाइट होने वाली है आंगनवाड़ी के बच्चे से धोनी सर की और मस्ती की पाठशाला से एसआर सर की। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कमेंट में जरूर बताना, आपको धोनी सर पसंद है या एसआर सर। दोनों सर एक दूसरे को हराने की कोशिश में लगे हैं, एसआर सर और धोनी सर एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, पता नहीं कौन जीतेगा। पर ये क्या, इस बार फिर से मस्ती की पाठशाला की नाक कट गई और आंगनवाड़ी इज विनर। दोस्तों हमें जंप करने में बहुत मजा आ रहा है, हमें ऐसा लगता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं। तो ये हमारे छप्पन भाई के स्टंट और ये हमारे बंकू बैक बेंचर, इनके भी स्टंट देख लो बाबा। ये यहाँ धोनी सर भी बहुत मजे कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, हवा में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सही बच्चे एक एक करके फ्लिप मार रहे हैं और चोट लगने का तो टेंशन ही नहीं है। ये हमारे एसआर सर सोते हुए और ये हमारे बद्री बाबा। ये है ट्रेनर, हमें सिखा रहा है कि हमें किस तरह से जंप करना है। एसआर सर को तो जंप के अलावा कुछ भी नहीं आता, आप ही देख लो, ये देखो ये देखो। तो यहाँ पे हो रहा है बास्केटबॉल का गेम ये। तो गाइस आप देख ही सकते हो मैं बास्केटबॉल का कितना बड़ा चैंपियन हूँ। अच्छा, यहाँ पर तो निम्बुड़ा और जग्गा की फाइट बंद ही नहीं हो रही है, और यहाँ पर जग्गा को कूड़े की तरह ऐसा फेंका, मजे आ गए। बंकू और बद्री दोनों ने निम्बुड़ा को बहुत ऊंचाई से नीचे फेंका, और यहाँ पर तो डोली रोने लग गई कि मुझे नहीं खेलना, पर ट्रेनर ने उसे उठाया और बाहर फेंक दिया कचरे की तरह।
दोस्तों मैं यहाँ जा रहा हूँ नीचे, यहाँ मेरी मौत भी हो सकती है। अबे साले। बाय गाइस। तो जग्गा यहाँ पे जंप करने वाला है और छप्पन भैया जैसे ही फ्लिप मारते उनके पैर में बहुत गहरी चोट आ जाती है। ओह नो, ये क्या हो गया, ये क्या होगा गाइस। तो दोस्तों यहाँ फ्लाइंग रैपिड में फुल मस्ती, फुल एंटरटेनमेंट, फुल धमाका हो रहा है। यहाँ पर सारे बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर जरूर आइएगा, एक बार ट्राई करेगा, आपको बहुत मजा आएगा। बद्री जी यहाँ पर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते हुए पर निशाना नहीं लगा। धोनी सर तो उड़ने की कोशिश कर रहे पर ये क्या, ये तो मुंह के बल गिर पड़े। तो दोस्तों जंप वाली एक्टिविटी खत्म हो गई है, आप कमेंट में जरूर बताना आपको सबसे अच्छा गेम कौन सा लगा। ये निमूड़ा को तो देखो इतनी ऊंचाई पे चढ़ चुका है, देखो गिरने से डर भी नहीं रहा है, वाह क्या सीन है। तो गाइस मैं जा रहा हूं, आऊंगा तो वापस शायद ही आऊंगा, बाय। कुछ भी। तो ये हमारे जग्गा दादा जो कि ऊंचाई पे चढ़ने वाले हैं, तो बिना डरे जग्गा दादा इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। देखो दोस्तों मैं बहुत बड़े पहाड़ पे जा रहा हूँ, छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो गाइस मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो जग्गा पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ने वाला है और फाइनली टॉप पर पहुँच गया है। तो दोस्तों मैं इतने बड़े पहाड़ पे आ चुका हूँ, अब मैं यहाँ से कूद रहा हूँ, तो दोस्तों मेरी जान भी जा सकती है, तो फाइनली अब मैं यहाँ से कूद रहा हूँ। तो देखो दोस्तों जग्गा बिना डरे इतनी ऊंचाई से नीचे कूद गया है। ये एहसास सर को तो देखो इन पहाड़ों पे ऐसे चढ़े जैसे कोई मंदिर की सीढ़ी हो। तो फाइनली ये ऊपर पहुँच जाते हैं और आराम से हवा में नीचे आते हैं और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। तो दोस्तों मैं बहुत बड़ी ऊंचाई पे जाने वाला हूँ, आसमान को छू के आऊंगा, जमीन को फाड़ के आऊंगा। और ये हमारे धोनी सर भी चल पड़े हैं, लगता है ये इनके लिए तो बच्चों का खेल है। वाह कितने मजे से नीचे आ रहे हैं, देख लो। तो यहाँ पर बद्री और छप्पर धोनी सर को पकड़ के नीचे फेंक दिया है। ये बहुत मजा आया दोस्तों, तो दोस्तों इस गेम का नाम है उड़ी बाबा। नमस्कार दोस्तों सज्जनों, मैं आपका हार्दिक पांड्या। इस गेम में तो बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है हम हवा में उड़ रहे हैं। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताना आपको कौन सा गेम पसंद आया। वो ये क्या था। तो दोस्तों मैं तो आपको बताना भूल ही गया, आज तो डोली का बर्थडे है। सही बच्चे बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि सभी को केक खाने को मिलेगा। तो दोस्तों हमने सारी एक्टिविटीज कंप्लीट कर ली है, तो अब हम करने वाले हैं केक कटिंग का सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर डोली का बर्थडे है, तो डोली क्या कहना चाहते हो आप। तो बस हम केक कटिंग करने ही वाले हैं, तो चलिए काटते हैं डोली का केक। तो दोस्तों केक कटिंग तो हो गई है, लेकिन अब होगा डांस। तो दोस्तों आज है डोली का बर्थडे, तो डोली का केक कट हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हो डोली को कैसे ठूस ठूस के खिला रहे हैं, तो गाइस हम भी ठूस ठूस के खाएंगे केक। तो देखो दोस्तों यहाँ पर गोटिया दादा और बंकू बिग बेंचर किस तरह से फनी डांस कर रहे हैं, फुल मजे कर रहे हैं, और मजे तो करेंगे ही ना, डोली का बर्थडे जो है। सही बच्चे बहुत ज्यादा खुश है। तो बच्चों आपको कैसा लगा फ्लाइंग रैबिट एडवेंचर पार्क में आके। वेरी गुड। अगर आप भी आना चाहते हो यहाँ पर, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ, और अगर आप हमारी वीडियो के थ्रू आते हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे आइए और फुल एंजॉय कीजिए। Yeah!